नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित मो विकास बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस कोरोना चिकित्सार व्यवहार होउथबा औषध सामग्री उपर लागू जीएसटी ह्रास 44तम जीएसटी परिषद बैठक रे केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को घोषणा वेंटिलेटर पल्स ऑक्सीमीटर उपर एबे 12 परिवर्ते 5% जीएसटी लाभ अर्थ राज्य मानक सह बांटिबे केन्द्र सरकार। राज्य में 5000 तले कोरोना ट्रेंड 24 घंटे 4852 नुआ पॉजिटिव सेपटे पुणी 47 जीवन नेला वायरस स्वास्थ्य निर्देशकों प्रतिक्रिया राज्य में आरंभ हो ग्राजुआल अनलॉक अनलॉक नहीं विचार विमर्श करुछन्ति सरकार। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में लघुचाप प्रभाव 6 जिला को वर्षा पाई रेड वार्निंग जारी 16 तारीख जाए प्रबल वर्षा आसंता 24 घंटे सारा राज्य को छुईब मौसुमी। पुलिस जोगदेवे किन्नर राज्य पुलिस एसआई पदवी पर जारी नोटिफिकेशन ने प्रकाश पाइला 477 सब इन्स्पेक्टर पद पर आवेदन करें किन्नर। एवं बात्या और बन्या मुकाबला सेना को मिला बड़ कोस्टगार्ड में सामिल है अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर MK3 उद्धार कार्य बढ़ाइब सेनार दक्षता। आसवा संपूर्ण खबर को कोरोना चिकित्सा रे व्यवहार होतबा औषध एवं सामग्री उपर लागू जीएसटी हेबे ह्रास पाई कमिब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वेंटिलेटर ऑक्सीमीटर एवं रेमडेसिविर मूल्य। आज अनुष्ठित 44तम जीएसटी परिषद बैठक में मंत्री गोष्ठी बा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा कोविड सामग्री उपर टिकस ह्रास करतक सुपारिश को ग्रहण कर इलेक्ट्रिक फर्नेस तापमात्रा जांच उपकरण उपरे लागू जीएसटी को 5% को खस कमाइ दिया जाइछि। आंबुलांस उपरे 12% जीएसटी लागू हेबो बोली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सूचना देइछन्ति। ता सहित कोरोना चिकित्सा रे लागुथिबा केतक औषध जेपरकि रेमडेसिविर टोसिलुजुमाब हेपारिन उपरु जीएसटी ह्रास करा जाइछि। एणिकि रेमडेसिविर उपरे 5% जीएसटी लागू हेबो जहाँ कि पूर्वरु 12% थिला। अन्यपटे कोविड टेस्टिंग किट मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर मास्क और हेलमेट बाईपास मशीन HFNC मशीन पल्स ऑक्सीमीटर उपरे पूर्वरु 12% जीएसटी लागू होता बेले एबे ताकु 5% को कमाइ दिया जाइछि। आहुरी मध्य हैंड सानिटाइजर उपरु पूर्वरु 18% जीएसटी लागू होता बेले एबे ता 5% लागू हेबो। The recommendations which have been given within 8 days, less than 8 days of the submission of the GOM's report, 6th it was submitted, today we have held the meeting, and the recommendation of the GST GOM on this issue of goods which are being used for the COVID-19 treatment was placed for the GST Council to discuss. I'll just highlight what the decisions have been. The GOM's recommendations have been accepted. Just 3 items on which the rates were further considered, and on the period up to which this will be valid has also been slightly altered. The period up to August was the recommendation. After discussion in the council, that has been extended to September. So this will be valid till September 30th. And based on the advice and also from the states the input, whether that period has to be further extended will be taken as a call nearer the time. And the GIC will probably take the responsibility of eliciting the opinions, taking the political leadership's inputs and meeting to take a final word on whether that extension should be furthered after September. The second is 3 items which the GOM had recommended at one level. After discussion in the committee, in the GST Council, we have brought in changes. They are particularly one item which is
the furnaces, the electric furnaces which are used in the crematoriums. The GOM had recommended 12%. We, after the discussion in the council, have brought it down further to 5%. आरंभ होइछि G7 शिखर सम्मेलनी G7 सदस्य राष्ट्रर नेतृबृंद शिखर बैठक लागि ब्रिटेन रे एकाठी होइछन्ति एथिरे आज वर्चुअल माध्यम रे अभिभाषण रखिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज राति 8:30 रे रखिबे निजर अभिभाषण चर्चा यह होउछि जे कोरोना भूताणुर उत्पत्ति नै एक पारदर्शी तदंत करबा पई ई चलित वर्षर G7 बैठक रे होई पारे आलोचना G7 राष्ट्र समूहर चिट्ठा प्रस्ताव अनुसार विश्वर समस्त राष्ट्रकु 100 कोटी टीका जगाई दिया जिबाकु लक्ष्य रखा जायछि कानाडा फ्रांस जर्मनी इटाली जापान ब्रिटेन ओ अमेरिका आदि 7टी समृद्ध देशर राष्ट्र मुख्य माने 3 दिनिया G7 शिखर सम्मेलन रे जोग देबा पई एकाठी होइछन्ति लीक होइनी कोइन आप्रे पंजीकरण करथिबा यूजर्स का डाटा कोविड टीका पई आप्रे देथिबा व्यक्तिगत तथ्य संपूर्ण सुरक्षित रहिछि एने कोनोसी गुजब रे विश्वास न करबाकू परामर्श देइछन्छि एनएचए रो मुख्य डाक्टर आरएस शर्मा लीक होइनी कोविन आप्रे पंजीकरण करथिबा यूजर्स का डाटा कोविड टीका पई आप्रे देथिबा व्यक्तिगत तथ्य संपूर्ण सुरक्षित कोविन डाटा लीक्र गुजब भित्तिहीन गुजबर विश्वास न करबाकु एनएचए र मुख्यंक परामर्श डार्क वेब्रे लीक होइनी कोविड टीका पई पंजीकृत होइथिबा यूजर्स का डाटा लोकंकर डाटा संपूर्ण सुरक्षित बोली आश्वासना दैछंती केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय एवं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बा एनएचए र मुख्य डॉक्टर आरएस शर्मा भारत टीकाकरण पाई उद्दिष्ट कोविन आप्रे गच्छित यूजर्स का व्यक्तिगत डाटारु 15 कोटी लोकंकर डाटा डार्क वेब्रे लीक होइछि बोली किछि दिन हेबो विभिन्न गणमाध्यम प्रचारित होई आसुछि डार्क लीक मार्केट नारे एक वेबसाइट रे टीकाकरण रे शामिल होइथिबा लोकंक तथ्य लीक हेबा सहित एहा अन्य पक्षकु बिक्री बा रीसेलिंग होइछि बोली गुजब सृष्टि होउछि मात्र एहाकु संपूर्ण भित्तिहीन एवं एक गुजब बोली सरकारी भाव रे स्पष्टीकरण दिया जायछि कोविन डाटा संपूर्ण सुरक्षित यह केवल यूजर्स और सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय व्यवहार पर उद्दिष्ट कौनसी तृतीय पक्ष तथ्य पाइबा संभव नुहे कारण तथ्यगुड़िक निरापद और सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था मध्य गच्छित रही तथ्य लीक बाबदे स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर हो प्राथमिक तदंतरु एजाए कौनसी प्रमाण मिलना सरकारी भाव में कहुई कोविन डाटा लीक घटना को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित एम्पावर्ड ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बा एग्भाक पक्षर आईटी मंत्रालय साहाज्य जांच करा जायछि एजाय डाटा लीक्र कौनसी प्रमाण मिली नथिबारु एहा गुजब बोली स्पष्ट होइछि एपरिकि तथ्य चोरीर दाबी करथुबा डार्क लीक मार्केट नामक वेबसाइट मध्य एक नकली साइट बोली प्रमाणित होइछि ए बाबदरे दुई दिन तले स्वास्थ्य मंत्रालय तरफरु लिखित स्पष्टीकरण जारी हेबा सहित केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मध्य ट्विट करथिले तथापि किछि गणमाध्यमरे एनै गुजब सृष्टि हेबारु शनिवार दिन पुणि थरे ट्विट जोगे स्पष्टीकरण देइछन्ती नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एवं कोविन आप परिचालनार मुख्य डॉक्टर आरएस शर्मा ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बुलेटिन समय छ एक छोट ब्रेक रहा ब्रेक परे स्वागत बात्या एवं बन्या स्थिति मुकाबला पई सेना को मिलला वायुबल शामिल हला सेनारे आडभांस लाइट हेलिकप्टर MK3 भारतीय कोस्टगार्ड यहाँ आज विधिवत भावे भर्ती करा जायछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर भारत अभियान आधार रे पूरा पूरी भाव में घरोई ज्ञानकौशल निर्मित होइछि MK3 हेलिकप्टर यही हेलिकप्टर गुड़िक जहाजर आरंभ होता ऑपरेशन करने को सक्षम अटंती जहाँ समुद्र एवं आकाश मार्ग रे संधान उपकूल सुरक्षा सर्च एवं उद्धार कार्य मेडिकल सेवा पहुंचाइबा प्रदूषण नियंत्रण मिशन इत्यादि रे तटरक्षी बाहिनी रो दक्षता वृद्धि करिवो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैज बीन द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एविएशन फ्लीट डिलीवरिंग मल्टी रोल एंड हाईली कैपेबल प्लेटफॉर्म्स
the induction of the advanced light helicopter Mark 3 in challenging times bears a testament to the resilience of Hindustan Aeronautical Limited and the Indian Coast Guard. These aircraft will usher a new paradigm shift in our capability to undertake shipborne operations and enhance surveillance prowess with extended reach. शनिवार डेहराडून रे इंडियान मिलिट्री एकेडमी रो पासिंग आउट परेड अनुष्ठित हो जाई छी। ऐतिहासिक चेटबुट भवन सामना रे ड्रिल स्क्वायर रे होइथिला पासिंग आउट परेड एथिरे शामिल होइथिले सेनारो पासिंग आउट होइथिबा जवान माने नौ बंधु राष्ट्र रो 84 कैडेट को सह देशर 341 कैडेट शामिल होइथिले। स्थल सेनार पश्चिम कमांडर जनरल आरपी सिंह परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। कोरोना महामारी जोगु पूर्व वर्ष परि चलित वर्ष मध्य कैडेट को परिजन माने पासिंग आउट परेड रे शामिल होइ पारि नथिले। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वर्तमान सुधा देश विदेश को 63381 ऑफिसर्स दे सारिलेडी एथिरु नौ बंधु राष्ट्र रो 2656 जन ऑफिसर शामिल रहिछन्ति। आसवा कोरोना संपर्कित खबर को देश रे तळ मुहा एबे कोरोना ग्राफ नियंत्रण को आसुची। कोरोना रो द्वितीय लहर लगातार लक्ष्य तळे रहुची। दैनिक संक्रमण हार गत 24 घंटा रे आउ 84332 जण कोरोना आक्रांत चिन्हट होईचंती। सेहिपरि 4002 जण को मृत्यु घटिची। सेपटे 121311 जण कोरोना रो सुस्थ होईचंती। अन्यपटे एजाबत मोट 2,79,11,384 जण कोरोना रो सुस्थ होईसारिले। सेहिपरि वर्तमान सुधा देश रे 24,96,304 जन वैक्सीन नहीं सूचना रही। सेपटे राज्य में पॉजिटिव हार धीरे धीरे कमिबारे लगी। 17 तारीख बेलू 5% को आसवा संभावना देखाई। जो सब जिले में संक्रमण हार 5% को आसव से पूरा अनलॉक नक सामान्य कोहल कटक पुनः संक्रमण भय रही। द्वितीय डोज टीका 6-8 सप्ताह मध्य निया उचित बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र। कोविशील्ड टीका 84 दिन पर नेवाई केन्द्र किंतु यह पूर्व टीका ने पुनः संक्रमण भय रही। विभिन्न गवेषण में यह तथ्य आसी डॉक्टर नीरज मिश्र। सब भल खबर है भुवनेश्वर भी टेस्ट पॉजिटिव हार 7.4 अच्छे जो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कह जोटा कि आगुरी मन थी एक 35% थी आम भावुले विथ लॉकडाउन पीरियड रे भी एटा एते कमु नथला किंतु आज सब भल न्यूज है एटी भी 7.4 कटक भी जोटा अधिक होता से भी 9% अच्छी सब बिलो 10 अच्छी मतलब लगुच अनदर 5-6 डेज बेलू आम ये भी 5% पाखापाखि आस जाए हेत ये मानते लॉकडाउन कोहल आम जो भावुले डिले हम बेसी दिन डिले हेनी डिले भी गोटे वीक खंडे लॉकडाउन बढ़े पारती यही सब दुटाक सिटी में बाकी अन्य जगार 5% तौक आसीज मेजोरीटी अफ द डिस्ट्रिक्ट तेनाली मेजोरीटी अफ द डिस्ट्रिक्ट मतलब लगुच लॉकडाउन तबे कोरोना मृत्यु रे लागी पारुनी ब्रेक। गत 24 घंटा रे रेकर्ड 47 आक्रांत प्राण हर जहाँकि वर्तमान सुधा सर्वाधिक। 17 जिलार चिकित्साधीन अवस्था आक्रांत मृत्यु घटी। खोर्धार सर्वाधिक 6 कटक्रु कोरोना नहीं 5 जन जीवन। अनुगुल और बरगढ़ में 4 जन लेखाएं आक्रांत मृत्युवरण करते। बालेश्वर भद्रक बौद्ध ढेंकानाल गंजाम एवं नयागढ़ जिले में 3 जन लेखाएं संक्रमित प्राण हर। जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा और पूरी जिले में 2 जन लेखाएं कोरोना रोगी मृत्युवरण करते। बलांगीर जाजपुर रायगढ़ और सुंदरगढ़ जिले में जड़े लेखाएं आक्रांत चिकित्साधीन अवस्था आखि बुझी। राज्य सरकार का बड़ निष्पत्ति ओडिशा पुलिस रे एबे जोगदेवे किन्नर। राज्य पुलिस एसआई पदवी पाई राज्य सरकार को पक्षरु नोटिफिकेशन प्रकाश पाई जो किन्नर माने मध्य आवेदन करिपारिबे बोली सरकार को पक्षरु घोषणा करा जाइछि। 477 सब इन्स्पेक्टर पदपाई आवेदन करने को प्रकाश पाई विज्ञप्ति जो किन्नर माने मध्य आवेदन करिपारिबे बोली एहि नोटिफिकेशन ने उल्लेख रहिछि। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट हेबो। ओडिशा पुलिस जॉइन करिया को मु
जिते क्वालिफाइड विमेन एंड मेन अच्छा आमंत्रित करूँगी उड़ीसा पुलिस ज्वाइन कले आप गोटे भल कैरियर पाइबे लोक से बहुत आदर पाइबे एम लोकल सेवा कर सुजोग पाइबे से आउ समय नष्ट करंतु नहीं जदि आप सब इन्स्पेक्टर पर क्वालिफाइड अच्छा तार परीक्षा तैयारी आरंभ कर दिंतु जदि आप कांस्टेबल कम्युनिकेशन क्वालिफाइड अच्छा तार परीक्षा तैयारी आरंभ कर दिंतु मो शुभेच्छा आप संगे अच्छे धन्यवाद। 40 रु ऊर्ध ट्रांसजेंडर एबे यूएलबी अर्बन लाइवलीहुड मिशन रे काम करुछंती एठी पार्किंग फी हो होल्डिंग टैक्स कलेक्शन हो बैटरी गाड़ी हो एवं बहुत कॉर्पोरेट हाउस रे मध्य चाकरी करुछंती तेणु मो पाखरे बहुत पर्याप्त पिला अछंती जो माने ड्रॉप आउट होई किथिले से माने एजुकेशन को आउथरे रीस्टार्ट करिछंती आहुरी हाई हायर स्टडी वाला पिला अछंती तेणु निश्चित रूप रे ए जेतेबेले हमकू सुजोग मिलिछि आमे आम सुजोग को हाथ छड़ा करिनु एठी मध्य आमे 100% श्योर दबू कि आम पिला माने निश्चित रूप से उत्तीर्ण होकर आसबे एवं समग्र भारत वर्ष एक आउ एक नुआ जिनस देख नुआ सका देख जो किनर मान को घृणा आखिरे देखा जाऊला से किनर माने जस्टिस देवे। समय बुलेटिन एक छोट ब्रेक रहा ब्रेक पर स्वागत। भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्व आकलन अनुसार ओडिशा रे सामान्य कम वर्षा होई एनेई भारतीय पाणीपाग विशेषज्ञ आरके जेनामणिक सहित आलोचना करछन्ति आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल। ओडिशा रे मौसम भाई पहुंचिबा परे लघुचाप वर्षा को आहुरी वृद्धि करछि तबे कोन आकलन रहिछि आईएमडी रो वर्तमान हिट कला परे लघुचाप सहित मनसून रो स्थिति कोन रहिछि आगो को किबळी भाबे वृद्धि होउछि एवं राज्य रे किबळी भाबे वर्तमान वर्षा आकलन कराउछि सेने अधिक आलोचना करबा आम सहित आरके जेनामणि आईएमडी साइंटिस्ट रहिछन्ति। सर सर्वप्रथम अर्गस न्यूज चैनल को स्वागत करिवि। सर जेबळी भाबे पूर्वरु आपण आकलन करथिले सेबळी भाबे ओडिशा रे मध्ये वर्षा अनुभूत होउछि तो वर्तमान सर आउ कोन एक्स्ट्रा आकलन करछन्ति एवं वर्तमान अपडेट कोन दिजाम लास्ट नहीं देखते जो लघुचाप जोटी आमर थिला जो लो प्रेशर एरिया मूवमेंट तार ना तार गति ना से ओडिशा कोस्ट रे लटकी रही किंतु आज आफ्टरनून रे टिके आरंभ कर गति दक्षिण ओडिशा क्लाउड टच करुच्छे आज जो लेटेस्ट जदि कह आज दक्षिण पश्चिम मौसम भाव आम ओडिशा रे किछि अधिक एरिया बढ़ेचु भुवनेश्वर आज कवर करचु पहले पुरी रु जाउथला कैनिंग बर्तमान भुवनेश्वर बारीपदा सर सेटलेट इमेज को जदि हमें जीबा सर पार्ट हमर ओडिशा कवर है जी पूर्व उपकूल काली सुधा बदे पूरा ओडिशा कवर है जी मानसून रे सैटेलाइट पिक्चर देखो बबल क्लाउड ये जो व्हाइट कलर देखु छंदी बहुत अच्छी घन मतलब लार्ज क्लाउड मास तेणु ये जो क्लाउड मास स्लोली मूव कर तेणु आम एवं जो देखूँ जो चार दिन जो रेनफल देखूँ आम ये स्लो रे मूव करुच अधिक समय समुद्र रहा तेणु वर्तमान आम खाली जो हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल जाने 10-15 सेंटीमीटर दक्षिण ओडिशा रे देछु आज दिन आउ आइसोलेटेड देछु मतलब गोटे कि दुटा जगह डिस्ट्रिक्ट रे जोटि भी हम आसत आम जो काली दैट मीन 13-14 वर्षा जारी रहा आभ्यंतरीण ओडिशा रे आज आम जो उपकूलवर्ती जिले में हेवी रेनफॉल हम तो सर पर्टिकुलर जब आम डिस्ट्रिक्ट वाइज जी उपकूल ओडिशा कहले भद्रक बालेश्वर जाजपुर पुरी एपटे जब आम दक्षिण ओडिशा को जी गंजाम गजपति आभ्यंतरण ओडिशा को गले अनुगुल ठार आरंभ कर ढेंकानाल ये सब जिला गुड़ी अच्छी आम जो मेनली गजपति है ता सहित जो दक्षिण ओडिशा जीक अच्छी मेनली कूल का भुवनेश्वर में भी होयर हेवी रेनफॉल 50 मिलीमीटर होता सहित बालेश्वर में हो सी आम ओवरअल जो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट अच्छी काँ भाँ हेवी रेनफॉल मिलजि 6-7 सेंटीमीटर कि मेन आपणकर जो नयागढ़ गजपति ये जो दक्षिण ओडिशा रहा से आज भेरी हेवी रेनफॉल हम आस्ते आस्ते आपंकर आभ्यंतरीण ओडिशा हम सर आम कहीपर आन दिन धरी वर्षा लग रही हाँ तीन दिन कितु सबुठ आज रातर काली भितर आम दक्षिण ओडिशा भेरी हेवी रेनफॉल हम आम ऑरेंज कलर देचु रेड कलर आम डाउनग्रेड कर कारण वर्तमान जो लेटेस्ट इंडिकेशन आसी वर्षार जी आम प्रोजेक्ट करूँ
ସେଥିରୁ କମ୍ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ କମ୍ ବର୍ଷା ଏହି ହେବ ଯେ ଭେରି ହେଭି ହେବ ଆମର ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲୁ 20-25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବେ ରହିବ 10-15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର ଆଉ ଯେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେନ୍ଲି ହେବ ତ ସାର ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବହୁତ ମିଳିବ କାରଣ ସେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିବା କଥା ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା କଥା ଆସୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ରହିଲା 36 ଆୱାର ହେଇଗଲାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି ତ ସାର୍ ଲଘୁଚାପ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସମୟ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲା ବା ତାର ଗତି ମନ୍ଥର ହେଲା ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁଲାନି ଆମେ କହିପାରିବା ତ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ କାହିଁକି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ବର୍ଷା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ 25-30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏମାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଦିନ କହିଥିଲୁ 12 ଆଉ 13 ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖିଛୁ ଏମାଉଣ୍ଟ ବି କମ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ 10-15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସିଏ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।